डीपी धाकड़ के बाद अब रतलाम शहर विधायक चैतन्य कश्यप पर पुलिस की गाज गिरी है। हम आपको बता दें कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जिसके चलते कार्य करने से पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेना पड़ती है, लेकिन रतलाम शहर विधायक चैतन्य कश्यप ने नियमों को ताक में रखते हुए बिना अनुमति के 30 मार्च को अपने जनसंपर्क कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। 31 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री के संबोधन कार्यक्रम की पत्रकारों से चर्चा की, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग के ऐप पर हुई। शिकायत के बाद शहर विधायक जिला निर्वाचन अधिकारी नोटिस जारी कर कारण पूछा था, लेकिन मामले में शहर विधायक चैतन्य कश्यप का जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं होने से स्टेशन रोड थाने पर धारा 188 में विधायक चैतन्य कश्यप पर FIR दर्ज हुई। कोई भी बड़े से बड़ा राष्ट्र, जो हम प्रभुता संपन्न जो हमारे सामने बड़े बड़े राष्ट्र है, सर्वशक्तिमान राष्ट्र है, वे भी इस तरीके से आतंकवाद के अंदर किसी एक देश को घेर नहीं पाए। जिस तरीके से भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, इसके पहले इराक का मामला हो, हर बार कुछ न कुछ डिबेट रही, चाहे इराक के मामले में इराक पे कब्जा ईरान ने करा, वहां के सद्दाम हुसैन ने जब कब्जा करा और कुवैत के ऊपर, उस समय में भी पूरी दुनिया एक साथ में नहीं आई थी। आज तक के जितने उदाहरण आप देखोगे, कभी दुनिया किसी एक देश के साथ में खड़ी नहीं हुई। सिर्फ जो पुलवामा के बाद में जो एयर स्ट्राइक हुई है, उस एयर स्ट्राइक के बाद में पूरी दुनिया एक स्वर के अंदर, चीन ने भी राय जी का जो आचार संहिता का मामला का उल्लंघन हुआ है, क्या मामला है? 30 मार्च के दिन शहर विधायक चैतन्य कश्यप अपने जनसंपर्क कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी। इसके संबंध में रिटर्निंग अधिकारी से इसकी शिकायत हुई थी कि बिना अनुमति प्रेस वार्ता आयोजित की थी। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी रतलाम शहर के द्वारा प्रारंभिक जांच की गई। जांच के द्वारा यह पाया गया कि शहर विधायक के द्वारा जो प्रेस वार्ता आयोजित की थी, वो बिना अनुमति के की थी, और शहर और पूरे जिले में 144 लागू है। तो ये धारा 144 के उल्लंघन पर SDM साहब के प्रतिवेदन पर विधायक चेतन कश्यप के विरुद्ध धारा 188 का मामला दर्ज।